रांची में सीसीएल स्थापना दिवस के मौके पर सीसीएल मुख्यालय सभागार में समारोह का आयोजन किया गया। सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने सम्मान सह पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा 2025-26 में कोल इंडिया का लक्ष्य 1000 मिलियन टन कोयला उत्पादन का है। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें 18% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ना होगा। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए सीसीएल कर्मियों को पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। चेंजेस आते हैं तो हमें उस परिवर्तन की बयार को लाना है और कंपनी का भविष्य बिल्कुल ही सुखद और सफल है। एक जो भविष्य है वो सुनहरा है, तो उस सुनहरे भविष्य के लिए क्यों ना हम इस वर्ष को हम एक आधारशिला वर्ष मान लें, क्योंकि फाउंडेशन जितना मजबूत होगा उसका भविष्य, उस बिल्डिंग की इमारत की बुनियाद जितनी अच्छी होगी वो भवन भी उतना अच्छा बनेगा। 25-26 में कोल इंडिया के टारगेट करीब 1000 मिलियन टन 1 BT जो का अचीवमेंट करना है। पिछले साल कोल इंडिया 622 मिलियन टन कोयला प्रोडक्शन किया है, इस बार 700 मिलियन टन का है, अगला साल 760, उसके बाद 870 है, उसके बाद 1000 मिलियन टन। वैसे ही सीसीएल में पिछले साल हम लोग 68.8 मिलियन किया है, इस साल 76, अगला साल 87, उसके अगला साल थोड़ा कठिन है 101, उसके बाद 135। जैसा कि हम लोगों को एनुअल ग्रोथ रेट अभी 18% का करीब हम लोग करने से ही 135 में हम लोग 4 साल 5 साल में पहुंचे।